यूपी समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों हीट वेव की चपेट में है। भीषण गर्मी और लू की वजह से अचानक अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं पिछले 9 दिनों में 128 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इन मौतों की सटीक वजह की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन राज्य में हालात को देखते हुए सीएम योगी ने तत्काल अधिकारियों को आम लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि आम जन लोगों के बीच में जागरूक अभियान भी चलाया जाए। देखिए हमारे संवाददाता मुजाहिद जैदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चलती लू अब लोगों की मौत का सबब बन रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई। उस बैठक में मुख्य सचिव से लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और तमाम बड़े विभागों के प्रमुख सचिव को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के गाँव और निकायों में पीने के जल की व्यवस्था की जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि वो लू से किस तरह से बच सकते हैं। आप सीधा देख सकते होंगे कि ये लखनऊ का सबसे पॉश इलाका है, जहां पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से इस लू से बचने का जो पूरा जागरूक अभियान है वो चलाया जा रहा है। और ऐसे बोर्ड आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। अभी ये लखनऊ का एक चौराहा है जहाँ पे ये बोर्ड लगाया जा रहा है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि आखिर लू से कैसे बचा जा सके। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि गमछा टोपी और तमाम चीज़ें लगाकर चलें, समय समय पर पानी पिएं और जिस तरह से पौष्टिक भोजन है उसका इस्तेमाल करें। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लू का प्रकोप है, बलिया जैसे पूर्वांचल के कई ज़िले 127 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं, उसमें कई लोग अभी तक भर्ती हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तो एक गंभीर मसला था लू को लेकर, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का ये अधिकारी किस तरह से पालन करते हैं और इस लू से बचने के क्या क्या उपाय किए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ मैं मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।